नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सुरभि मिश्रा, जो कि है एक स्क्वॉश प्लेयर। मात्र 11 वर्ष की उम्र से खेलों की दुनिया में इन्होंने कदम रखा और बहुत ही जल्द खेलों में अपने विशिष्ट पहचान बनाने वाली ये है एक ऐसी महिला जिन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार, सवाई मान सिंह 2 पुरस्कार, राजस्थान गौरव, मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा अरावली सम्मान आदि कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान कार्यक्रम में आज हमारे साथ है सुरभि मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरभि। नमस्कार। प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन द्वारा किए गए इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमारे दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगी सुरभि के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। आपने सन 2004 में GU15 में राष्ट्रीय खिताब जीता और इसी वर्ष एशियाई जूनियर टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय जूनियर अंडर 19 टीम में जगह बनाई, जहां टीम ने कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए आप भारतीय टीम की सदस्य भी रही। 2005 और 2006 में गर्ल्स अंडर 17 और वर्ष 2007 और 2008 के लिए उप विजेता रही। 2004 से 2012 तक भारतीय जूनियर और सीनियर टीम के सदस्य बनकर आपने कई उपलब्धियां प्राप्त की। आपने जूनियर और महिला वर्ग में 75 से अधिक खिताब जीते हैं। जीवन में आए चैलेंजेस के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि राजस्थान राज्य के उत्थान और बेहतर खेल सुविधाओं की स्थापना के लिए 2012 में सुरभि मिश्रा स्पोर्ट्स फाउंडेशन की स्थापना की। बहुत कुछ किया है सुरभि आपने इस छोटी सी उम्र में खेल जगत के लिए। तो आपने किस उम्र में फैसला किया कि मुझे स्क्वैश खेल में आना है, क्योंकि इस खेल में उत्तर भारत से महिलाओं की ज्यादा भागीदारी नहीं रही है? मैं ये कहूंगी स्क्वैश मैंने कोई प्रोफेशन के हिसाब से चालू नहीं किया था। मैं जनरली एक बॉर्न एस्थमेटिक चाइल्ड थी, तो मुझे मेरे पेरेंट्स को ये कहा गया कि इनसे पहला मुझे लाइफ का सबसे पहला अटैक आया था, शायद मैं 1 या 1.5 साल की थी तब। तो मेरे पेरेंट्स को ये कहा गया कि इनसे फिजिकल एक्टिविटीज में इनको डालो, ताकि इनकी ब्रीदिंग इश्यूज नहीं हो, इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो, बेटर ब्रीद कर पाए एंड ऑल। तो मैंने उस तरीके से सभी खेल खेले। स्क्वॉश वाज जस्ट कि मैं अशोक क्लब में स्विमिंग करती थी, तो मेरे जो कोच है और मेरे फादर के फ्रेंड मिस्टर रॉनी शर्मन, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे स्क्वॉश खेलना से लेकर के कोई भी खेल हो उन्होंने ही खेलना सिखाया। तो वो स्विमिंग पूल के बगल में स्क्वॉश कोर्ट था। स्क्वॉश मैं सिर्फ देखती थी, देखते देखते मैं खेलने लगी। एंड देन सडनली इट जयपुर में 2001 में टूर्नामेंट हुआ था, सबसे पहला जयपुर क्लब में कराया गया था। तो जयपुर में ही था, तो मैं ऐसे ही खेलती थी, तो सबने कहा कि इनकी एंट्री करा दो, तो कि भाई जयपुर का कोई बच्चा खेले एंट्री कराओ। तो मैं जस्ट लाइक दैट आई वाज 11 इयर्स ओल्ड एंड आई प्लेड द अंडर 19 कैटेगरी एंड आई लॉस्ट रियली बैडली। मतलब मुझे पता भी नहीं था ये बॉल कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। एंड दैट्स हाउ आई थिंक आई वांटेड टू लर्न मोर, दैट्स हाउ स्क्वॉश हैपेंड। I wouldn't say that squash was taken up to be played professionally. It was taken up to be played, to learn a sport. And then I think that was my passion which turned into my profession. मैं ये कहूँगी कि जो मेरा passion था वो मेरा profession बना eventually, probably जब मैं 2012-13 में 2003-04 में जब मैं towards under 15 आई, जब मेरे काफी टाइटल तब तक हो भी गए थे एंड everyone used to say कि आप अच्छा खेलते हो, आप टैलेंटेड हो, तो आप बाहर निकलो, ट्रेनिंग करो, यू कैन डू रियली वेल इन द स्पोर्ट। एंड देन विनिंग इन 2004, आई थिंक दैट्स वेयर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरियस स्पोर्ट केम इन। टिल देन आई वॉज वर्किंग हार्ड जस्ट फॉर माई पैशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू विन। सो जो मैं 2001 में सबसे पहले टूर्नामेंट हारी थी, से 2002 में मैंने उन्हीं लोगों को हराया जिनसे मैं हारी थी, तो वो वॉज जस्ट दैट माई वे ऑफ ट्राइंग टू डू बेटर एट समथिंग दैट आई लर्न्ड। दैट्स हाउ स्क्वॉश हैपेंड टू मी एंड दैट्स हाउ दैट स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स फॉलोड। सर भी आपने खेलों में खिलाड़ी और एक कोच की तरह कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, तो कैसा महसूस होता है जब आप अपनी सफलताओं को मुड़कर देखती है? अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, अकम्प्लिश्ड फील होता है कि मैं ये कहूंगी कि जो मैंने सपने देखे थे या मेरे साथ जो लोगों ने मेहनत की थी उन्होंने मेरे लिए सपने देखे थे, मैं कुछ हद तक उनको पूरा कर पाई। ड्यू टू इंजरी जो मैंने जल्दी छोड़ा, वो एक
मुझे थोड़ा सा लगता था कि ये जल्दी से कट शॉर्ट हो गई जर्नी. अदरवाइज मतलब मुझे एक चीज लगती है, भगवान जो मेहनत करता है, जो अपनी चीज के लिए ही गिव्स 200%, इन रिटर्न यू विल ऑलवेज गेट 200%. सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड इन माय स्पोर्ट्स जर्नी, दैट यू नो वर्क हार्ड, बी डिटरमिंड, ऑलवेज मेक व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट योर प्रोफेशन, एंड देन एवरीथिंग एल्स फॉलोज इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट. That's very true, Surbhi. और ज्यादातर success stories जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो देखते हैं कि passion जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ खासकर अगर हम बात करें महिलाओं की, लड़कियों की, तो बहुत जरूरी होता है एक positive environment जो उन्हें अपने परिवार के support से मिलता है. आपकी सफलता के पीछे इस environment का, family के support का कितना हाथ है? जैसे आपने खुद ने कहा, सबसे बड़ा हाथ इनका ही होता है. जैसे कि आपको पता है हम राजस्थान से आते हैं, तो हम बहुत ही अनकन्वेंशनल सिटी है कि आप कोई स्पोर्ट्स पिक करें और लोग आपको सपोर्ट करें. तो मैं जब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स को भी कहा जाता था कि क्या खेलकूद में लगाया है, पढ़ाई लिखाई कराओ, इंजीनियर बनाओ, फिर शादी कर देंगे. एक कॉन्सेप्ट ऑफ जो अपन लोगों के यहाँ चलता है. तो तब मुझे लगता था कि मतलब क्या मेरे पेरेंट्स भी ये सोच मतलब ये सोचते हैं. तो एक बार मैं आई थी तो मैंने मेरे फादर से पूछा था कि वो आज ऐसे बोल रहे थे तो क्या आप थोड़े टाइम बाद स्क्वॉश बंद करा देंगे? तो बोले कि बिल्कुल नहीं, आप जो आपका काम है वो आप कीजिए, आपका काम है मेहनत करना, अपने खेल में रहना, वो आप कीजिए, बाकी सारी चीजें आप हम पे छोड़ दीजिए. जब आपको ये सपोर्ट हो जाता है अपने मदर फादर से कि आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक, दैट इज नॉट माय लुकआउट, then you are at a peaceful place. आपको पता है कि भैया मेरा काम तो सिर्फ सुबह उठ के ट्रेनिंग करना है, स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, मुझे खाना भी मिलेगा, जो मेरी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी. तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जो कि एक आदमी को आगे ले जाने में मदद करता है. जैसे मैंने जयपुर में ट्रेनिंग करना, करीब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर पाती थी क्योंकि जैसे मेरे कोच है उनकी, उन्होंने भी मुझे बोला कि अब आई थिंक यू नीड टू प्ले. मैं यहाँ मैच प्ले नहीं मिलता था, मेरे को खेलना ही नहीं मिलता था, लोग खेलते नहीं थे. फिर कुछ बड़े लोग जो खेलते थे वो क्या है, जैसे थोड़ा सा लड़के लड़कियों से हार जाए वाला हिसाब आ जाता है, तो वो हार गए तो फिर वो खेलना भी पसंद नहीं करते हैं. तो मेरे पास यहाँ प्लेयर्स नहीं थे खेलने के लिए, तो मैं जयपुर के बाहर ज्यादा रहती थी, चेन्नई, बॉम्बे, थोड़ा बहुत मैं जोधपुर भी ट्रेनिंग करने जाती थी. तो और देन सिंगापुर, इजिप्ट, वेरेवर वी वर ट्रेनिंग, वी वर गोइंग. तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था कि 13-14 साल के बच्चे को आप बाहर भेज रहे हैं, वो आप उन पे उतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा जो करने जा रहा है वही करके आएगा. सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं रोका कि भाई वो मुझे ट्रेनिंग करने नहीं जाने देंगे या कोई और उन चीजों के लिए. तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया, दैट दे हैड दैट फेथ एंड दे नेवर लेट मी यू नो नॉट डू समथिंग बिकॉज हमारी सिटी में नहीं है तुम बाहर चले जाओगे. वो उन्होंने मुझे वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने दिया कभी. उन्होंने कहा आप जाइए, आप ट्रेनिंग कीजिए, आप जो करते हैं उसमें अच्छा कीजिए. बस यही मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बोला कि यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, बाकी सब हम देखें. सर भी एक टूर्नामेंट के दौरान लगी चोट के कारण आपको पेशेवर स्क्वॉश जो प्रोफेशनल स्क्वॉश था वो खेलना छोड़ना पड़ा, तो ऐसे में क्या था जिसने आपको मोटिवेटेड रखा और एक कोच बनकर भी आप इस गेम का हिस्सा रही जो आपकी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट था? मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं डिस्करेज, डिसहार्टन्ड या ऐसा कुछ मेरा फेज नहीं था. मुझे करीब 6-8 महीने ये सोचने में लग गए कि अब ये आप प्रोफेशनली नहीं खेलेंगे बिकॉज आई वॉज एट अ पीक ऑफ माई करियर एंड आई वॉज प्रीटी यंग एज वेल. तो ये सोचना कि आप अब ये चीज नहीं करेंगे जो आप और प्लान्स बनाते हैं अपनी लाइफ के कि अब मैं 2010 हुआ है तो अब 14 खेलेंगे, 14 के बाद 18 भी खेलेंगे. तो वो सारी चीजें हैं जो आप एक बार आई एम श्योर कोई भी प्लेयर हु गोज थ्रू दिस नोज हाउ बैड इट इज. बट मेरे को सिर्फ ये चीज थी कि जैसे मेरे पेरेंट्स थे ऐसे मेरे साथ और लड़कियां भी स्क्वॉश खेलती थी, बट उनके पेरेंट्स ने उनको वो सपोर्ट नहीं दिया. दे वर क्वाइट गुड, दे वर डिसेंट प्लेयर्स, बट उनके पेरेंट्स ने उनको वो सपोर्ट नहीं दिया या उनकी कि भाई स्क्वॉश इन जयपुर वॉज वेरी लिमिटेड टू क्लब्स, ना अच्छी कोचिंग हो पाती थी यहाँ पे. तो मेरा ये एम था कि जो रीजन की वजह से कई बच्चे छोड़ देते हैं, राजस्थान के बच्चे राजस्थान से बाहर जाके ट्रेनिंग करते हैं,
हम हमारे एक्सपीरियंस से उन चीजों को यहाँ लाएं ताकि राजस्थान का बच्चा राजस्थान में रहे, राजस्थान में सीखे, और जरूरत पड़ने पे, क्योंकि सबकी एक्सपोजर की सबको जरूरत होती है, तो वो बाहर भी जाए बट एक फाउंडेशन ऐसा बन जाए कि उसको जयपुर छोड़ करके 12-13 साल पे नहीं जाना पड़े, क्योंकि उससे बहुत कम लोग हैं जो 100 में से 2 बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, 98 छोड़ देते हैं. That's the reason. So that's the reason I wanted to. That's the reason I found, formed the Surbhi Mishra Sports Foundation. That people get the experience that we've learned training across the world. वो बच्चों को यहीं पे रह करके मिले. Through our contacts, लोग यहाँ आते हैं मेरे foundation में squash के लिए, कई चीजें करने के लिए. International coaches India आते हैं, national players आते हैं, बच्चों के साथ training करते हैं, उनके साथ खेलते हैं. तो वो exposure इनको यहीं मिले. सबको बाहर नहीं जाए, क्योंकि लाइक आई सेड, सबको वो सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, ड्यू टू नॉट जस्ट फैमिली सपोर्ट बट इवन फाइनेंशियली इट्स नॉट इजी टू गेट दैट काइंड ऑफ मनी. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई फॉर्मड Surbhi Mishra स्पोर्ट्स फाउंडेशन, दैट आई बी एबल टू गिव बैक टू द स्पोर्ट व्हिच हैज मेड मी व्हाटएवर आई एम टुडे. और सर भी आपको क्या लगता है, क्योंकि आज बहुत सारे आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स में ऐसी लड़कियां भी होंगी, ऐसी वुमेन प्लेयर्स होंगी, गर्ल प्लेयर्स होंगी, जो कि स्क्वाश में कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाहती हैं, या आप ही की तरह ये गेम भी उनके लिए एक पैशन है, तो आप क्या मैसेज देना चाहूंगी ऐसी ऐसी गर्ल्स को बींग अ कोच इन दिस गेम ओनली? मेरा ये मैसेज रहेगा कि यू हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड. Get to a good place, learn the sport, and keep working hard on what your coach tells you. That is the most important thing that you should do. Apart from that, zyada cheeze, bahut zyada logo ke paas jana, bahut zyada cheeze sochna is not the main thing. The main thing that I have learned through that is hard work is the only way you can succeed in life, especially in sports. Be at the right place, learn the right things, and keep working hard. Everything will fall into place as it is supposed to. Because the only thing that lot of people feel kya hum to bahut hard work karte hai but fir bhi humko result nahi milta hai. It may come late but hard work never lets you down. Aaj zaruri nahi hai aap sab under 13 mein national champion bane, koi 18 mein jaake banta hai. तो वो जो प्रोसेस है, यू हैव टू हैंग इन देयर. कितनी ही लॉस हो, कितना ही आप रोज हारो, कुछ भी हो, आप उठो, अगले दिन वापस खेलने जाओ, वापस ट्रेनिंग करो, एंड वन डे यू विल अचीव व्हाट यू ड्रीम ऑफ. एंड नेवर नेवर कीप योर ड्रीम स्मॉल, ऑलवेज ड्रीम बिग, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू. वाओ, व्हाट एन इंस्पायरिंग थॉट दिस इज Surbhi फॉर ऑल आवर व्यूअर्स हु आर विलिंग टू, यू नो, कहीं ना कहीं हम सब के साथ बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, हो सकता है, ये पॉसिबल है अगर आप पैशन से, डेडिकेशन से, मेहनत से, लगन से लगे रहें. जी बिल्कुल. जानना चाहेंगे Surbhi Mishra का विजन क्या है? हम लोग, मेरा पर्सनल विजन ये है कि राजस्थान से जो एक 30 years ago एक टाइम था कि बहुत अच्छे अच्छे नेशनल प्लेयर्स सिर्फ राजस्थान से निकलते थे, पर एक टाइम आया जहाँ पे 2004 में जब मैं जीती, उसके बाद से कोई इंडियन टीम में बच्चा नहीं गया था जब तक मैंने फाउंडेशन फॉर्म नहीं किया या मैं कोचिंग में नहीं आई. तो मेरा ये एम और मेरा ये विजन है कि आई मेक अ फाउंडेशन सच एज दैट यू डू नॉट नीड वन प्लेयर टू टेक योर स्टेट्स नेम फॉरवर्ड. You should have a platform of players who keep coming out, and the name of Rajasthan does not get out of the figure of the squash fraternity in India and in the world, that, you know, people should know that, okay, from Rajasthan. Because jab se maine coaching shuru ki hai, hamare yahan se 7-8 bacche international khel chuke hain. I started coaching in 2013. Uske baad hamare yahan se 7-8 bacche international khel chuke hain. And they've gone to become national champions. They are playing for the Indian junior team. So that is my aim, that, you know, my vision is such that squash should always be alive in the state, and we keep producing national, international level players, that the name of the state and the sport, which is very, which used to be a pioneer in squash 30 years ago, should get back to where it was. And not just be limited to Delhi, Bombay, Chennai, those kind of.
बिल्कुल, हमारा ये जो राजस्थान है, हमारा जो प्रदेश है, यहाँ भी स्क्वॉश जो है वो आगे बढ़े और कहीं ना कहीं वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म्स पे हम राजस्थान के लोग, राजस्थान के खिलाड़ी भी आगे आ पाए, यही विजन है आपका। एंड आर बेस्ट विशेज आर ऑफ कोर्स विद यू सुरभि, आप फॉर द सक्सेस इन योर एंडेवर, फॉर द विजन दैट यू हैव, फॉर द ड्रीम दैट यू हैव फॉर अस द राजस्थानी। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा लगा सुरभि आपसे बातचीत करके, इट हैज बीन एन इंस्पायरिंग टॉक थ्रू आउट। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के हमारे इस इनिशिएटिव, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर और हमसे बातचीत करके। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे बुलाया, जिससे कि मैं मेरी बात रख पाई। बिकॉज मैं ये जानती हूँ एज अ किड, अगर मुझे कोई एक ऐसी जगह थोड़ी सी भी होप मिलती है या कोई एक ऐसी चीज आके बोलता था कि वेन यू आर फीलिंग लो, कि भाई ये होगा या नहीं होगा, कोई भी एक ऐसा इंसान जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं थोड़ी सी भी उसकी स्टोरी से, अगर वो थोड़ा सा भी आपको वो मोटिवेट कर देता है, देन यू नो यू गेट दैट जील बैक इन योर सेल्फ कि नहीं यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सो दैट काइंड ऑफ platform, if you give people who hear, it's not just the girls who will see, it's the parents who see ki yaar, more than the kids, it's about parents to understand ki yaar hamara bachcha kuch bhi, not just squash, koi bhi field ho, aajkal agar aapka bachcha kisi bhi field mein acha hai, aap usko us cheez ki taraf push kijiye, and I'm sure wo aapko 200% result laake dega rather than 50% result laake dega jo aap use banana chahte hain usme। जहां आप उस बच्चे को जो वो बनना चाहता है में मदद करेंगे, इट आई एम टेलिंग यू योर किड्स विल फ्लरिश एंड दैट्स व्हाट आई फील इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड ऐसे ही आप इनिशिएटिव्स के थ्रू जैसे लोगों से बात करेंगे तो पेरेंट्स भी मोटिवेट होंगे और बच्चे तो मोटिवेट होंगे बाय लिसनिंग टू स्टोरीज विच यू नो दे रिलेट टू, विच इज समथिंग विच इज रियली ग्रेट। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनी काइंड ऑफ help that I could be to the foundation to let people and kids of Rajasthan become, because we are very talented state, to come up as much as possible and I or whatever help I can be. That's such a great thing Surbhi, thank you so much aapke kimti waqt ke liye, aapka bahut bahut dhanyawad, aur jo baatein aapne batayi hain, jo baatein aapne ki hai, jo motivation aapse हमको बात करके मिला, एंड आई एम श्योर कि जो आपने सही कहा कि सिर्फ व्यूअर्स को नहीं, सिर्फ उन स्पोर्ट्स एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स को, द पीपल हु आर सपोर्टिंग देम आल्सो नीड्स दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच सुरभि एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे।